वासु हैदराबाद में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक है। एक फिल्म निर्माता को प्रभावित करने के लिए वो एक शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करता है और मनोविज्ञान स्नातक कीर्ति को मुख्य भूमिका में पाता है। कुछ प्रतिरोध के बाद कीर्ति फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हो जाती है और शूटिंग कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। निर्माता ने प्रभावित होकर वासु की फीचर फिल्म को हरी झंडी दिखा दी। एक दिन शूटिंग के दौरान कुछ गुंडे कीर्ति के साथ बदतमीजी करते हैं, जिससे वासु उनसे लड़ता है। उस चल रही लड़ाई में एक लड़का उसके सिर पर मारता है, जिससे उसका कान से खून बहता है और एक मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित होने लगता है, जो स्थायी रूप में उसे एक अलग व्यक्ति में प्रकट करता है, जो कीर्ति के साथ उसके रिश्ते को प्रभावित करता है। जब वो गलती से रोजी नाम का उच्चारण करता है अपने अतरंग पलों के दौरान, जो कीर्ति को गुस्सा दिलाता है। एक साल बाद वासु ने अपनी फिल्म यूनिकी रिलीज की, जो सफल रही। वासु को फिल्म का हिंदी में रीमेक बनाने की पेशकश की जाती है, लेकिन मुंबई में रीमेक के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वासु को कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोलकाता स्थित एक उल्लेखनीय प्रकाशन गृह SR प्रकाशन का आरोप है कि वासु ने 50 साल पहले श्याम सिंह रॉय द्वारा लिखित उनके सबसे अधिक बिकने वाला उपन्यास अस्तित्व की नकल की। अदालत में वासु के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाते हैं और कीर्ति के चचेरे बहन पद्मावती मामले को उठाते हैं। वासु दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है और एक सफल पॉलीग्राफ परीक्षण के बाद अदालत उसे बिना शर्त जमानत पर रिहा कर देती है और उन्हें अपना मामला पेश करने के लिए 3 दिन का समय देती है। कीर्ति के सुझाव पर वासु कीर्ति के मनोविज्ञान के प्रोफेसर की मदद से नैदानिक सम्मोहन से गुजरता है, जिसके दौरान वो बताता है कि वो पिछले जन्म में श्याम सिंह रॉय था और रोजी उसकी पत्नी थी। 1969 में पश्चिम बंगाल में श्याम सिंह रॉय एक प्रभावशाली समाज सुधारक और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले क्रांतिकारी लेखक है, जो एक रूढ़िवादी परिवार से आते हैं। जैसे ही उसका परिवार उसके तरीकों को अस्वीकार करता है, वो घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन बांग्लादेश की एक जेबराशी मैत्री पर ठोकर खाता है, जो नवरात्रि के दौरान मंदिर में नित्य करती है। नास्तिक होने के बावजूद श्याम हर रात मैत्री के दर्शन करने मंदिर जाता है। एक रात वो उसे अपने साथ मंदिर से बाहर निकलने के लिए कहता है और वो अनिच्छा से मान जाती है। श्याम और मैत्री एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और श्याम ने मैत्री का नाम बदलकर रोजी कर दिया। वो भागने का फैसला करता है, हालांकि उस रात मंदिर के महायाजक महंत, जो देवदास्य का यौन शिकार करते हैं, सोने के लिए एक युवा लड़की का चयन करते हैं, जिसका रोजी विरोध करता है। महंत गुस्से से रोजी को गाली देता है और पेशाब कर उसका अपमान करता है। यह पता चलने पर क्रोधित श्याम अपनी बाइक पर जाता है, मंदिर में महान पर हमला करता है। वो उसे अपने लिंग को अलग करके और उसे जलते कोयले पर फेंक कर उसे मारकर और रोजी पर हार को हटाकर देवदासी के रूप में अपने कर्तव्य को समाप्त करने के लिए दंडित करता है। श्याम और रोजी कलकत्ता चले जाते हैं, जहां वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू करते हैं। 1977 तक श्याम अपने समय का एक निपुण लेकिन विवादास्पद लेखक बन गया। रोजी के सुझाव पर श्याम देवदासियों के पुनर्वास के लिए एक ट्रस्ट खोलता है। श्याम के भाई मनोज उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपने बीमार बड़े भाई को देखने के लिए उनके गांव आए। हालांकि उनके आने पर उनके दो बड़े भाई मनोज को निविदा नारियल लाने के लिए भेजते हैं, जो मंदिर में महंत को हत्या करके और रोजी से शादी करके अपने परिवार को बदनाम करने के लिए श्याम की हत्या करने की एक चाल बन जाता है, जो उनकी जाति का नहीं है। मनोज आता है लेकिन श्याम को बचाने में असमर्थ होता है, जो उसके सामने मर जाता है। कुछ साल बाद एक दुर्घटना में दो बड़े भाई मारे गए और श्याम के भतीजे अब SR पब्लिकेशन सिंघारॉय का प्रकाशन गिरोह चलाता है। वर्तमान में वासु कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस का दौरा करता है, जहां श्याम काम करता था। हालांकि उसे बताया जाता है कि श्याम और रोजी की दशकों पहले मृत्यु हो गई थी। रोजी श्याम को खोजने के लिए चली गई थी। पद्मावती ने अदालत में सबूत के तौर पर वासु की सम्मोहन रिपोर्ट पेश की कि श्याम सिंह रॉय वासु के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। हालांकि अभियोजन पक्ष के वकील ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जब अदालत अपना फैसला सुनाने वाली होती है, एक 85 वर्षीय मनोज अदालत का दौरा करता है और वासु को श्याम का पुनर्जन्म घोषित करता है। सबूत मांगने पर मनोज बताते हैं कि वासु ने श्याम की शॉर्ट फिल्म वर्ण को अपनी शॉर्ट फिल्म वर्णम के रूप में रूपांतरित किया, लेकिन वो कहानी कभी सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं हुई। मनोज श्याम की हस्तलिखित पांडुलिपि को सबूत के तौर पर पेश करता है और SR प्रकाशन के अध्यक्ष के रूप में मामला वापस लेता है। वासु को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। मनोज वासु को बताता है कि रोजी जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। वासु फिर एक वृद्ध रोजी से मिलने जाता है, जो अब श्याम के नाम पर एक नित्य विद्यालय चलाता है। वासु से मिलने पर दोनों का भावनात्मक पूर्ण मिलन होता है और उसकी इच्छा के अनुसार रोजी उसकी बाहों में शांति से मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।